वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सच का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में और आपके साथ मैं हूं देवबंद सिंह। मुख्तार अंसारी को कौन नहीं जानता। एक जमाने में मुख्तार का रास्ता, बड़े बड़े नेता मुख्तार अंसारी के सामने हाजिरी लगाया करते थे क्योंकि ये एक दबंग था, एक ऐसा दबंग जो गरीबों पर अत्याचार करता था, जो हिंदुस्तान को अपने बाप की जागीर समझता था। लेकिन वक्त बदला, सरकार बदली और मुख्तार की आई शामत, एक ऐसी शामत जो कि उसकी मौत से भी खत्म नहीं हो सकती। योगी पुलिस और योगी सरकार मुख्तार के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। योगी सरकार लगातार मुख्तार पर कार्रवाई कर रही है और कार्रवाई भी ऐसी की जा रही है जिससे कि मुख्तार और उसके गैंग में हड़कंप बचा हुआ है। कभी कभी तो मुख्तार अंसारी को भी लगता होगा कि अगर वो पाप नहीं करता तो आज उसके साथ ये सब नहीं होता। योगी सरकार मुख्तार के साथ साथ उसकी पत्नी साले और सगे संबंधियों पर भी लगातार कार्रवाई कर रही है और उसे भी छोड़ा नहीं जा रहा है। और क्यों छोड़ा जाए उसे, उसने गरीबों के खून को चूस चूस कर इस संपत्ति को अर्जित किया है। यूपी के गाजीपुर में एक बार फिर से यूपी पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। आपको बता दें, यूपी पुलिस मुख्तार अंसारी के होटल को जिला प्रशासन गैंगस्टर एक्ट के तहत पुर करने की कार्रवाई कर रहा है। बताया जा रहा है कि इस कॉम्प्लेक्स में कुल 17 दुकानें हैं। हैरानी की बात तो ये है कि जिला प्रशासन के नोटिस के बाद भी अभी तक दुकानें खाली नहीं की गई हैं, जो कि एक बड़ी दबंगई है। इस कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरीके की कोई उपद्रव ना किया जाए और साथ ही किसी भी जो यहां पर हड़कंप होता है उसे रोका जाए। संपत्ति की कीमत करीब 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है। योगी सरकार ने इससे पहले भी गजल होटल के ऊपर के हिस्से पर दुष्टीकरण की कार्रवाई की जा चुकी है, लेकिन एक बार फिर से अब योगी पुलिस मुख्तार की संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई कर रही है, या ये कहें योगी सरकार का बुलडोजर एक बार फिर से मुख्तार पर चलने वाला है। इस कार्रवाई के बाद अपराधियों में खौफ है, अपराधी अपराध करने से कांप रहे हैं। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार, ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल VK News, राष्ट्र के नाम।